हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर फ्रॉम फन एडू। और आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एमसीक्यूज़ की 8th क्लास से, सो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लिए हमने चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फ्रिक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फ्रिक्शन, जो आपने पूरा यूनिट पढ़ा हुआ है और ये यूनिट आपको बड़े अच्छे तरीके से करवाया है, तो इस यूनिट में अगर आप देखें कि फ्रिक्शन जो है वो इन चार स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू होगी। फर्स्ट, फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स डाउन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट ओनली अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट ओनली अकर्स ऑन रफ सर्फेसिस। Friction is a force that occur only solids. So, before we proceed, आपको इसकी definition पता होनी चाहिए friction की, वहाँ से इसका answer निकल सकते हैं। जैसे आपको पता ही है friction क्या है। Friction is a defined as a force that opposes the motion of a solid object over another. यानी कि एक ऐसी force है जो दो surfaces के बीच में जो क्या बोलते हैं, oppose करती है motion को। तो इसका मतलब कि जब भी दो bodies एक दूसरे के contact में होती हैं तो उसके जो motion है उसको ये स्लो डाउन करते हैं ना, अपोज करना मीन स्लो डाउन करना। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज़ जो है वो रुके ही ना, वो चलती ही रहे। सो और आपको पता है कि टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इसका आंसर जो होता है वो हो सकता है कि फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स डाउन, और जो तीन है वो इसमें उतने ज़्यादा सेट नहीं बैठ। सो ए इज़ द एग्जैक्ट आंसर। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर अगर हम देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ए रफनेस ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, इंक्लिनेशंस ऑफ द सरफेस, ऑल ऑफ दीज। तो आपको भी पता है कि जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कोई भी चीज़ उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और अगर कोई चीज़ कोई गाड़ी ही अगर वो इंक्लिनेशन से आ रही है तो उसकी स्पीड जो, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, असर होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे ये तीनों जो हैं, रफनेस ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस एंड इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, तीनों ही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर इज़ द डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन इज ल्यूब्रिकेंट्स reduce friction, b increase frictions, third both a and b, and fourth none of these। तो lubricant हो गया कि जब हम कभी भी, आप देखते हो कि कोई भी surface है वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को लगा दें, grease को लगा दें, किसी भी चीज़ को लगा दें, तो उससे होगा क्या, क्या उससे जो friction है वो increase करेगी, decrease करेगी। तो बिल्कुल, अगर हम कोई भी ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं इट ऑलवेज़ रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तभी जो उसके ऊपर दूसरी चीज़ें रन करती है उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ ए। फोर्थ, स्मूथ सरफेस हैज़, अगर कोई भी सरफेस स्मूथ है, आपको पता है अलग अलग तरह की सरफेसेस होती हैं, एक रफ़ होगी, एक स्मूथ होगी, है ना। तो स्मूथ सरफेस जो होती है उसमें फ्रिक्शन जो होती है वो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। स्मूथ सरफेस हैज़ ए लेस फ्रिक्शन, बी मोर फ्रिक्शन, थर्ड सी समटाइम्स लेस एंड समटाइम मोर फ्रिक्शन, और ऑल ऑफ दीज। सो स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन, इसीलिए स्मूथ सरफेस पे जो कोई भी चीज होगी वो जल्दी और स्पीड से वो चलेगी। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ साइकिल। तो आपने बड़ी बार देखा होगा जो साइकिल है या फिर कोई भी गाड़ी है उसके जो टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइम के साथ ही ख़राब होना शुरू होते हैं, घिसना शुरू होते हैं। ओके, तो बहुत सारी उसकी जो लेयर्स होती हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं, तो किसके कारण होती हैं, क्या वो मस्कुलर फोर्स के कारण होती हैं, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेचुरल सी बात है, तो वो जो आंसर है इसका दैट इज़ सी फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ साइकिल। नेक्स्ट,
द शेप ऑफ एरोप्लेन इज लाइक अ, आपको पता है जो एरोप्लेन की शेप होती है ताकि उसकी स्पीड है वो ज़्यादा बन सके, हमने उसको किस तरह की शेप दी होती है, क्या उसको शेप हमने ए डॉग कितना दी है, बी इट्स लाइक अ बर्ड्स, सी इट्स लाइक अ कार, और ऑल ऑफ दीज। सो द शेप ऑफ एरोप्लेन, तो अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करो आपको लगेगा कि जो शेप होती है एरोप्लेन की वो हमेशा बर्ड्स की तरह होती हैं, क्योंकि बर्ड्स को भी हवा में जो एयर है ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो तो वो वहाँ से ज़्यादा स्पीड में चल सकें, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए उसकी शेप इस तरह से बनाई जाती है। सो एग्जैक्ट आंसर इज बी, दैट इज बर्ड्स। सेवंथ क्वेश्चन, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, जो फ्रिक्शन है फ्लूइड के कारण है ना, जैसे सॉइल की तो भी तो हमने देखी, तो लेकिन जो फ्लूइड की फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ए फोर्स, बी प्रेशर, सी फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज ड्रैग, तो हम इसको बोलते हैं डी इज द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज ड्रैग। एट्थ क्वेश्चन, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, हम फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स, पॉलिशिंग, यूजिंग फाइन पाउडर, ऑल ऑफ दीज। सो अगर आप किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन को कम कर देते हैं तो जो दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती है उनकी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, कोई भी रुकावट कम होगी ना। सो इट मींस कि जैसे हम किसी भी चीज़ पे ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं, आपने देखो ग्रीस लगा देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, इससे भी क्या होता है कि जो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है उनकी उतनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता नहीं, उनकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल दें हम यहाँ पे कैरम बोर्ड की, तो आपने देखा होगा बच्चे जब कैरम खेलते हैं, कैरम वगैरह खेलते हैं, जब वो स्ट्राइकर को ज़ोर से क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो कई बार क्या होता है रफ़ सरफेस होने के कारण, यूज़ होने के कारण वो रुक जाता है, लेकिन जैसे हम उसके ऊपर पाउडर को स्प्रे करते हैं, जैसे यहाँ पे सी पार्ट में लिखा है यूजिंग फाइन पाउडर, तो वो जो स्ट्राइकर होता है अब उसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, और आपको पता है स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो सॉरी फ्रिक्शन कम होती है और वो तेज़ी से चलेगा। तो इस कारण ये तीनों जो आंसर हैं ए बी सी ये सभी ठीक हैं बिल्कुल, इसलिए आंसर इसका रहेगा दैट इज ऑल द एबव, डी आंसर इज द एग्जैक्ट आंसर। नाइन, ए टॉय कैन रिलीज्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फर्देस्ट ऑन या फास्टेस्ट ऑन, तो कहते हैं कि अगर एक टॉय को रिलीज़ किया जाए, इनिशियल स्पीड बिल्कुल सेम रखी जाए, तो किस तरह से तेज़ चलेगा, कहाँ पे तेज़ चलेगा, मड सरफेस के ऊपर, पॉलिश मार्बल सरफेस के ऊपर, सीमेंटेड सरफेस के ऊपर, या ब्रिक सरफेस के ऊपर। तो आप मान लो, ऐसे मान लो विजुलाइज कर सकते हो कि आपने एक टॉय उसको थोड़ी सी चाबी दे के छोड़ दिया, पहले तो उसका जो स्टेज था वो कैसा भी हो, लेकिन आगे आपने चार अलग अलग कंडीशन रख दी हैं, एक जगह आपने मड रखा है, दूसरे में आपने पॉलिश्ड मार्बल सरफेस है, थर्ड जगह पे आपने सीमेंटेड सरफेस है, फोर्थ में ब्रिक सरफेस है, तो इनमें से वो ज़्यादा स्पीड कहाँ पे लेगा इनिशियल स्टेज के बाद, तो आपको भी पता है मड में जाके तो आगे चल नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पर वो अटक जाएगा, नेक्स्ट अगर सीमेंटेड सरफेस होगी तो वहाँ पे भी उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी, ब्रिक तो वैसे ही वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो सबसे कम फ्रिक्शन जो कहाँ पे होगी, कौन सी सरफेस पे, जो मार्बल की सरफेस होगी, सो वो भी पॉलिश्ड की हुई, तो वहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा होगा। सो एग्जैक्ट आंसर इज द बी। टेंथ, द मोस्ट टू कॉमन फोर्सेज दैट आर एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस, क्योंकि ऐसी दो फोर्सेज वैसे तो सभी होंगी लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो द एग्जैक्ट आंसर इज द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, क्योंकि जब भी हम चलते हैं बैठेंगे कहीं भी तो वहाँ पे फ्रिक्शन तो लगी ही लगी, और ग्रेविटी तो पूरे हमारे बहुत से ग्लोब में हर जगह पे, विदाउट ग्रेविटी हम कुछ भी नहीं कर सकते, सो दीज टू आर द कॉमन फोर्सेज दैट आर एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस। ट्वेल्थ क्वेश्चन, द हिंजेस ऑफ द क्रैकिंग डोर एंड ऑयल टू, ए रिड्यूस नॉइस एंड व्यूअर्स एंड टीयर्स, कीप देम क्लीन, ओपन एंड क्लोज देम इजली, नन ऑफ दिस। सो ऐसे तो हो सकता है कुछ इसमें मिलते जुलते हों, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर क्या होता है कि जब कभी भी आपने देखा होगा जब आप डोर खोलते हो तो बहुत सारी वो क्रैकिंग आवाज़ ही करते हैं ना, आवाज़ करते हैं, बहुत गंदी सी आवाज़ आती है और उसको खोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं,
तो वहाँ पे जो उनके हिंजेस होते हैं वहाँ पे ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे। तो आप भी घर में कर सकते हो, अगर आपके जो डोर हैं वो आवाज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा जिनसे ये डोरों को लगाया होता है, एक लोहे का छोटा सा हिंजेस होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ऑयलिंग कर दो तो वो ऑयल लगाते ही क्या होगा, उसकी साउंड जो है वो बंद हो जाएगी, आपको किसी भी तरह की साउंड नहीं आएगी। इट मीन्स ये क्या कहते हैं, इट रिड्यूस नॉइस एंड व्यूअर्स एंड टीयर्स। तो ताकि वो किसी भी तरह के, क्योंकि वो जब रब एक दूसरे रब हो के क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा क्योंकि हमने फ्रिक्शन क्या कर दी, उसकी बहुत कम कर दी। सो एग्जैक्ट आंसर इज ए। द ईजीएस्ट वे टू मूव ए हैवी वुडन क्रेट इज टू, तो अगर हाँ आपने एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा ये चीज़ बिल्कुल आपने ऑब्जर्व की होंगी कि अगर आपके पास बहुत बड़ा वुडन का ब्लॉक है तो उसको आपको कहीं पर लेके जाना है, तो किस तरह से लेके जाओगे ताकि हमारी कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। ए प्लेस इट ऑन अ ट्रॉली, टाई अ रोप वन एंड एंड पुल पुश इट नन ऑफ दिस। तो अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपके लिए सबसे सिंपल ये रहता है कि आप उसको किसी ट्रॉली के ऊपर रखें और उसको, क्योंकि वहाँ पे रोलिंग जो होता है रोल करेगा वो, वहाँ पे हमारा जो थोड़ा एनर्जी है वो कम लगता है ना, रोलिंग फ्रिक्शंस काम आएगी। सो ए इज़ द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज़ प्लेस इट ऑन ए ट्रॉली और उसको आप मूव कर सकते हो। फोर्थ, पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू डैश फ्रिक्शन। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो उस पर आप क्या करते हो, पाउडर को लगा देते हो, उससे क्या होगा, क्या फ्रिक्शन इंक्रीज़ करेगी, फ्रिक्शन डिक्रीज़ करेगी, या दोनों होगा या कुछ नहीं होगा। तो नेचुरल बात है उससे फ्रिक्शन डिक्रीज़ करेगी, और जितनी फ्रिक्शन डिक्रीज़ करेगी उतना ही स्ट्राइकर जो स्पीड से चलेगा, और हम भी यही चाहते हैं कि खेलते समय स्ट्राइकर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो ज़्यादा चले और हमारे जो गेम हम विन करें। ओके, सो एग्जैक्ट आंसर था बी। 15th, रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्मॉलर होती है, बहुत ही ना। सो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ स्मॉलर। तो इसलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ में लाते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, बी डिक्रीज फ्रिक्शन, प्ले फास्ट, नन ऑफ दिस। सो आपने भी देखा होगा कि बड़ी बार क्या होता है कि जो जिमनास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ जो होते हैं उसमें ग्रिप के ऊपर वो कुछ ना कुछ पाउडर लगाते हैं, है ना। तो वो पाउडर क्यों लगाते हैं, सिंपल सी बात है कि जो जिमनास्ट होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा हाथ का कॉन्टैक्ट जिस पाइप को पकड़ के रोल कर रहे हैं या जिमनास्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह की फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ताकि ये ना हो कि हाथ में नुकसान हो जाए या उनको जो मूव करने में प्रॉब्लम हो, इसलिए वो कहते हैं अपने हाथ के ऊपर पाउडर लगाते हैं ताकि ये फ्रिक्शन है वो डिक्रीज कर जाए। सो बी इज़ द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज़ डिक्रीज फ्रिक्शन। 17th, when one body is rubbed over the surface of another body, the resistance to its motion is called. कहते हैं हम जब, सिंपल सी बात है, दो बॉडी को हम रब करेंगे, हाथ को रब करते हैं तो उसके बीच में तो फ्रिक्शन है, दोनों ही बॉडीज़ हैं, तो उस फ्रिक्शन का क्या नाम होगा, सिंपल सी बात है, ये बड़ा आसान है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस। तो एग्जैक्ट आंसर इज अ स्लाइड, क्योंकि हम बॉडी को स्लाइड करें एक दूसरे के साथ, है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 18th क्वेश्चन, ए मैच स्टिक कैचेस फायर व्हेन स्टक अगेंस्ट द स्लाइड ऑफ द मैच बॉक्स बिकॉज। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक मैच बॉक्स लेते हो, स्टिक को लेते हो, जैसे उसके ऊपर रब करते हो तो क्या होता है, एक वही मैच बॉक्स का जो स्टिक होता है वो उसी टाइम कहता है फायर, इट कैचेस फायर। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्या कहते हैं ये ऑफ द केमिकल्स, ये केमिकल्स के कारण होता है, फ्रिक्शन मे कॉज फायर, फ्रिक्शन डू नॉट कॉज एनी फायर, नन ऑफ केमिकल कैच फायर। तो आपको भी पता है कि अगर हम दो पत्थर को भी आपस में जोर से रगड़ते हैं उनमें से भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स ये एक फिनोमिना है जिस किसके कारण होता है, बी एग्जैक्ट आंसर, दैट इज फ्रिक्शन मे कॉज फायर। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज, आपको क्या करना है, थोड़ा सा साथ देना है और कोशिश करें इसको जितना हो सके आगे शेयर करें,
ताकि मुझे भी हमेशा मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको और ज़्यादा अच्छे और इनोवेटिव वीडियोस बनाता रहूं। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।